महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह शिवाजी पार्क पर मनाया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य महान समाज सुधारकों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर एक प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। शिवाजी पार्क पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परेड की सलामी ली। परेड के दौरान भारतीय नौसेना, पुलिस दल, अग्निशमन दल, मुंबई महानगर पालिका के सुरक्षा दल, दंगल विरोधी पथक, रेलवे पुलिस दल, गृहरक्षक दल, यातायात पुलिस दल, मुंबई पुलिस के निर्भया पथक एवं गढ़चिरौली C-60 कमांडो पथक ने प्रमुख रूप से भाग लिया। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। मुंबई के शिवाजी पार्क पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति की गई। शालेय शिक्षण क्रीड़ा विभाग, जल संपदा विभाग, आरोग्य विभाग, गृह निर्माण विभाग, यातायात नियंत्रण शाखा, सामाजिक न्याय सामान्य प्रशासन, वन विभाग, कामगार विभाग, ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग और सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। शिवाजी पार्क पर आयोजित किए गए गणतंत्र दिवस समारोह के पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सरकारी निवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर शिंदे ने राज्य के नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र के विकास और खुशहाली के लिए प्रयास करती रहेगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के दादर स्थित कार्यालय में गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नाना पटोले ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर नाना पटोले ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रयासरत रहेगी। इस अवसर पर नाना पटोले ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। देश की राजधानी में संपन्न हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान महाराष्ट्र की झांकी ने सभी का मन मोह लिया। इस झांकी में महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठ की प्रस्तुति की गई। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री व नागपुर के सांसद नितिन गडकरी भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र की झांकी का आगमन होते ही नितिन गडकरी की पत्नी कंचन गडकरी ने अपने स्थान से खड़े होकर 3.5 शक्तिपीठ का अभिवादन किया। अम्बा बाई कोल्हापुरी असे रेणुका माहुरी सप्तशृंगी वणी मध्ये भवानी तुळजापुरी तिचा ब्रह्म तिचा मुक्ती आदि माया विद्या शक्ती विश्व चैतन्याची होई तिच्या पासून उत्पत्ती महाराष्ट्र की राजधानी के साथ ही साथ उपराजधानी नागपुर में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नागपुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह कस्तूरचंद पार्क पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ध्वजारोहण किया गया।
समारोह के दौरान फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज महाराष्ट्र प्रगति की राह पर है। इस अवसर पर उन्होंने नागपुर की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। आज अपना नागपुर शहर 300 वर्षापेक्षा जास्त या शहराचा इतिहास आहे आणि आज ज्या प्रकारे नागपूर शहर बदलत आहे, ज्या प्रकारे नागपूर शहरामध्ये मेट्रो असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, वेगवेगळ्या प्रकारची कामं असतील ही झालेली आपण बघितली, त्यातून आपल्या शहराबद्दल आपल्याला अभिमान वाटावा अशा प्रकारचं या शहराचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि लवकरच G20 ची मीटिंग देखील या नागपूर शहरामध्ये होणार आहे, ही देखील अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे आणि मला विश्वास आहे की या G20च्या मीटिंग करता नागपूर हे पूर्णपणे त्या ठिकाणी सजलेलं असेल, तयार असेल आणि जगातल्या देशातनं येणारे जे लोक आहेत त्यांनाही नागपूर बघितल्यानंतर नागपूरचा हेवा वाटावा अशा प्रकारचं नागपूर आपल्याला त्यांच्या समोर या ठिकाणी प्रेझेंट करायचं आहे। खरं तर आपल्याला कल्पना आहे की नागपूर ही प्रवर्तनाची भूमी आहे, ही परिवर्तनाची भूमी आहे, याला एक मोठा सांस्कृतिक इतिहास आहे आणि नागपूरच्या या भूमीची सगळ्यात मोठी खासियत काही असेल तर नागपूर ही मिनी इंडिया आहे, भारताचं लघुरूप नागपूर आहे। नागपुर के कस्तूरचंद पार्क पर आयोजित किए गए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। समारोह के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की और वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान फडणवीस ने देश के लिए बलिदान करने वाले शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र प्रदान किया। नागपुर महानगर पालिका में भी आज गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। समारोह के दौरान स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाने एवं मनपा के अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने अग्निशमन पथक की सलामी ली। समारोह के दौरान एक ओर जहां अजय गुल्हाने ने स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की प्रतिबद्धता को दोहराया, तो वहीं मनपा आयुक्त ने नागपुर महानगर पालिका की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब की बार हमें हर हालत में देश के स्वच्छता अभियान स्पर्धा में एक पायदान आगे आना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर नागपुर महानगर सह संचालक श्रीधर गाडगे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के पश्चात श्रीधर गाडगे ने कहा कि अभी हमारा देश स्वाधीन हुआ है, स्वतंत्र नहीं, और स्वतंत्रता के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे। श्रीधर गाडगे के मुताबिक देश के हर नागरिक में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सहारा, संकटों पर मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा। तो किसी प्रकार का जो संकट है वो संकट सामान्य नागरिक में सदा सदा के लिए राष्ट्रभक्ति रहेगी, तो कभी किसी प्रकार और हमारा देश पीछे नहीं रह सकता। जिस गति से हम आगे बढ़ रहे, यदि राष्ट्रभक्ति का भाव ऐसा पुरजोर बढ़ाने में हम सक्षम हो गए तो हमारा राष्ट्र दुनिया में सर्वमोर राष्ट्र कहलाएगा।